Good morning, students. Today I will explain the first chapter of your book of your next class, and this is the story of a mango birds. This story is represented in a comics form. Comic forms means you can see pictures on your pages. It means the story has just been explained with the help of पिक्चर्स. स्टोरी को बहुत हद तक पिक्चर्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है. और यू कैन सी इन द पिक्चर्स देयर इज अ इंडिकेशन हियर. दिस इंडिकेशन इज शोइंग दैट व्हाट द बॉय इज टेलिंग. और यू कैन सी हियर द ट्री इज ऑल्सो स्पीकिंग. सो दिस इंडिकेशन इज टुवर्ड्स द ट्री. इट मीन्स वाट एवर द बॉय हैज टोल्ड इज रिटन इन दिस बॉक्स. ये बच्चा जो बोलता है, ये लड़का जो बोलता है, वो उस बॉक्स में लिखा गया है. और ये इंडिकेशन दिखाता है कि ये बात इस लड़के ने बोली है और ये बात इस लड़के ने बोली है. इस तरीके से पिक्चर के माध्यम से स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है. अब मैं स्टोरी को पढ़ूंगी और इसकी हिंदी एक्सप्लेन करूंगी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी विथ मी. वंस अपॉन ए टाइम इन ए फॉरेस्ट देयर वॉज ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ मैंगो ट्रीज. एक समय की बात है कि जंगल में एक छोटा सा मैंगो ट्रीज का क्लस्टर था. क्लस्टर मीन्स होता है एन एरिया वेयर ए ग्रुप ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड. क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप, और वो एरिया फॉरेस्ट का वो एरिया जहाँ मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज ट्रीज एक साथ लगाए गए होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर ऑफ मैंगोज ट्रीज. तो एक समय की बात है कि जंगल में मैंगोज ट्रीज का एक क्लस्टर था. इन द स्प्रिंग इट्स ब्रांचेज वेयर कवर्ड विथ ब्यूटीफुल मैंगो ब्लॉसम्स एंड द फॉरेस्ट इकोड विद द हैप्पी बूजिंग ऑफ हनी बीज. जब भी स्प्रिंग आता था तो इन मैंगो ट्रीज की, मैंगो के पेड़ की शाखाएं जो हैं वो भर जाती थी खूबसूरत ब्यूटीफुल मैंगो ब्लॉसम से. ब्लॉसम मीन्स होता है फ्लावर्स. आप लोग देखते होंगे कि मैंगो ट्रीज पे जैसे ही स्प्रिंग आता है उसमें पहले फ्लावर्स लगते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा समर बढ़ता है तो वो फ्लावर्स गिर जाते हैं और उसकी जगह पे छोटे छोटे मैंगोज दिखाई देने लगते हैं. और जब समर थोड़ा और बढ़ता है तो वो मैंगोज धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं. तो उसी फ्लावर्स की बात की कही गई है. फ्लावर्स स्प्रिंग में ही आ जाता है, हालाँकि मैंगोज कब आता है, समर में आता है. तो फ्लावर्स से मैंगोज बनने तक का पीरियड लगता है, ये समय लगता है जो स्प्रिंग से समर आ जाता है. तो मैंगोज ब्लॉसम्स यानी मैंगो में जो मैंगो ट्रीज पे जो फ्लावर्स लगते हैं वो भर जाते हैं उससे वो पेड़. एंड द फॉरेस्ट इकोड विथ, और जो पूरा जंगल है ना वो गूंज उठता है किस चीज़ से, विद द हैप्पी बूजिंग ऑफ द हनी बीज. बूजिंग मीन्स हनी बीज के साउंड्स को बोलते हैं, उनकी साउंड से इको, इको मीन्स होता है गूंजना. तो पूरा जंगल जो होता है गूंज जाता है. सून द फ्लावर्स फेल एंड देयर प्लेसेस ए स्मॉल मैंगो बिगिंस टू अपीयर. जल्द ही वो फ्लावर गिर जाते हैं और उस फ्लावर्स की जगह पर छोटे छोटे मैंगो दिखाई देने लगते हैं. अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना. द सन ग्रू हॉटर एंड द मैंगोज ग्रू बिगर स्लोली दे टर्न्ड गोल्डन येलो. जैसे जैसे सन हॉटर होता जाता है, इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे स्प्रिंग से समर आता जाता है, मैंगोज ग्रू बिगर्स, मैंगोज बड़े होने लगते हैं. स्लोली दे टर्न गोल्डन येलो, और स्लोली धीरे धीरे ये बड़े होते होते टर्न येलो हो जाते हैं. हरे मैंगोज से ये येलो हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से पक जाते हैं, फल खाने को रेडी हो जाते हैं. When the trees were full of juicy mangoes, people and animal came to eat the delicious fruit. जब ये मैंगो का पेड़ पूरी तरीके से जूसी मैंगोज से भर जाता है, people and animal, चाहे वो लोग हों चाहे जानवर हो, सब आते हैं, came to eat the delicious fruit. Delicious means होता है tasty. सब लोग इस tasty fruit को खाने के लिए आ जाते हैं. इस picture में दिखाया गया है कैसे सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस fruit को खा रहे हैं. यहाँ एक bird भी इस fruit को खा रही है, यानी सारे लोग इस fruits को खाने के लिए आ जाते हैं. Enjoy yourself, eat as much as you like, but leave some for others. इस स्टोरी में देखिए आगे जो है ये पेड़ बोलता है, ये इंडिकेशन किसकी तरफ है, पेड़ की तरफ. और देखिए आप पेड़ पे एक माउथ का सिंबल दिया हुआ है, ये बताता है कि पेड़ क्या बोलता है. जब सब लोग उसके क्या बोल सकते हैं, उसके मैंगोज को तोड़ के खा रहे होते तो पेड़ बोलता है इंजॉय योर सेल्फ, अपने आप को खूब इंजॉय करो. ईट एज मच एज यू लाइक, जितना मन करे जी भर के खाओ, बट लीव सम फॉर अदर्स, लेकिन दूसरों के लिए भी थोड़ा छोड़ देना. आर द ट्रीज टॉकिंग टू अस, तो बच्चा बोलता है क्या ट्री पेड़ हम लोग से बातें कर रहा है. तो एक और दूसरा लड़का होता है वो बोलता है यस यस पेड़ हम लोगों से बातें कर रहा है. पीपल सेड दैट देयर वॉज ए ट्री
गॉड हु प्रोटेक्टेड द फॉरेस्ट एंड इट वॉज हिज वॉयस फॉर वन हु हर्ड द वॉयस ओबेडी। तो ये बच्चा बोलता है कि हाँ हाँ, लोग कहते हैं कि एक ट्री गॉड होता है, ट्री का एक भी एक भगवान होता है, और जो वो भगवान जो होता है, वो जो गॉड होता है, वो क्या करता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट वॉज द वॉयस ऑफ द गॉड, और ये जो आवाज़ आ रही है उसी ट्री गॉड की है। Everyone who heard the voice obeyed it. वो हर कोई जो ये ट्री गॉड की आवाज़ को सुन पाता है वो उसको ओबे करता है। ओबे करने का मतलब रेस्पेक्ट करता है, वो जो कहता है उस बात को मानता है। The animals were wise. The monkeys plucked the mangoes. They ate half the fruit and threw the rest down. Then the wild rabbits and the deer finished them. So everyone enjoyed the fruit and nothing was wasted. इस पिक्चर में दिखाया गया है कि मंकीज क्या है, मैंगोज को खाते हैं और आधा खाने के बाद नीचे गिरा देते हैं, और फिर नीचे गिरे हुए फ्रूट को कौन खाते हैं, छोटे छोटे जानवर, रैबिट्स जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं, ऐसे जानवर इसको खाते हैं। तो कहा गया द एनिमल्स वेयर वाइज, एनिमल्स तो शुरू से ही वाइज हुआ करते थे। द मंकीज प्लक द मैंगोज, एक्चुअल में मैंगो को तोड़ता कौन है, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, मैंगोज को मंकी तोड़ते हैं। दे एट हाफ द फ्रूट, वे आधा फल को खाते हैं, थ्रू द रेस्ट डाउन, और आधा को क्या करते हैं, रेस्ट को क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। देन द विल्ड रैबिट्स एंड द डियर फिनिश्ड देम, और तब उसको ये जंगली रैबिट्स और डियर क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, मतलब खा लेते हैं। सो एवरीवन एंजॉयड द फ्रूट्स एंड नथिंग वाज वेस्टेड, और इस तरीके से हर कोई फ्रूट को इंजॉय कर सकता है, हर किसी को फ्रूट मिलता है और फ्रूट बर्बाद भी नहीं होता है। अब सेक्शन सेकेंड है, वन डे, एक दिन क्या होता है, ए मैन कम विथ ए बिग सैक, इनसाइड इट वॉज ए स्मॉलर बैग। एक दिन एक आदमी है जो बड़ा सा बैग लेकर आता है और उसके अंदर ए बैग, इनसाइड इट वॉज ए स्मॉलर बैग। एक दिन एक आदमी आता है, एक बड़ा सा सैक, सैक मीन्स होता है जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं, थैले होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सैक्स। एक बहुत बड़ा सा बैग लेके आता है, उस बैग के अंदर भी एक छोटा सा बैग लिए होता है। ही क्लीम्ड ए मैंगो ट्री एंड बिगिन टू प्लक द मैंगोज एंड फिल द बैग। वो छोटा वाला बैग लेके एक मैंगो ट्री पे चढ़ जाता है और पेड़ पे चढ़ कर मैंगोज को प्लक करना स्टार्ट करता है। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, एंड फिल द बैग, और वो छोटे वाले बैग को भर लेता है। ईट As much as you like, but leave some for others. जब वो इतने सारे मैंगोज को तोड़ रहा होता है तो पेड़ जो है फिर से बोलता है, Eat as much as you like, जितना आपको पसंद हो, जितना आपकी मर्जी हो उतना खाओ, but leave some for others, लेकिन दूसरों के लिए भी थोड़ा छोड़ दो। The man did not listen, लेकिन मैन जो है, वो व्यक्ति जो है, वो पेड़ की बातें नहीं सुनता है। He kept plucking the mangoes, वो mangoes तोड़ता जाता है। When his bag was filled, जब उसके छोटे वाले बैग भर जाते हैं, he emptied it into the sack, वो इसको क्या करता है, बड़े वाले sacks में इम्प्टी कर देता है, मतलब उसमें डाल देता है। एंड क्लिम्ड अनदर ट्री टू प्लक मोर मैंगोज, और फिर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और ज़्यादा मैंगोज और मैंगोज तोड़ने लगता है। विल यू ईट द मैंगोज एलोन, तो पेड़ फिर पूछता है कि क्या आप ये सारे मैंगो अकेले खा जाओगे। दे आर फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर यू, ट्री बोलता है कि ये मैंगोज जो हैं वो सबके लिए हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं है। द सैक वॉज नियरली फुल, जो सैक था, जो थैला था, वो लगभग भर चुका था। सडनली द मैन हर्ड ए नॉइज एंड टर्न, तभी अचानक से, मैन तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तभी मैंगोज तोड़ ही रहा था, तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो मुड़ के देखता है। ही वॉज शॉक्ड, जब वो मुड़ कर देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड मीन्स होता है आश्चर्य में पड़ जाता है। द मैंगोज वेयर टम्बलिंग आउट ऑफ द सैक, मैंगोज जो है वो सैक से क्या हो रहे थे, बाहर गिर रहे थे। सैक एंड रोलिंग अवे, मैंगोज जो है अपने आप, ऑल बाई देमसेल्स, अपने आप बिना किसी के गिराए हुए, खुद से, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, वो ये जो सैक है ऊपर उठ गया है और उससे मैंगोज गिर रहे हैं, और मैंगोज वहाँ से गिर के रोलिंग अवे मीन्स होता है लुढ़कते हुए दूर जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो वो देख कर बिल्कुल भी शौक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मैंगोज जो है वो जो सैक में मैंगोज रखा था उससे मैंगोज कुछ खुद ही बाहर गिर रहा है, फॉल कर रहा है, और फॉल करते उसके बाद लुढ़कते हुए दूर भागे जा रहे हैं। ऑल बाई देमसेल्फ, सब कुछ खुद से हो रहा है। द मैन रैन टू कलेक्ट द मैंगोज,
वो जो व्यक्ति है वो दौड़ता है किस लिए, मैंगो को पकड़ने के लिए, बट दे गॉट अवे फ्रॉम हिम एज इफ़ दे वेयर अलाइव, लेकिन वो मैंगो जो है वो उससे दूर भागते जाते हैं, ऐसा लगता है मानो दे वेयर अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जीवित, जैसे एक लिविंग बींग्स आगे बढ़ता है, मोशन करता है, गति करता है, मूवमेंट करता है, ठीक उसी तरीके से मैंगो जो है वो आगे बढ़ता जाता है जैसे कि वो एक जीवित हो, जीवित इंसान हो। ही रैन अराउंड चीजिंग द मैंगोज, आदमी जो था वो जो व्यक्ति था वो मैंगोज को पकड़ने के लिए, उसका पीछा करने के लिए लगभग दौड़ रहा था, फिर भी वो मैंगोज को पकड़ नहीं पा रहा था। वेयर एवर ही रीच्ड आउट टू ग्रैब देम द मैंगो जंप्ड एंड रोल्ड फर्दर अवे, जब भी वो मैंगोज को पकड़ने ही वाला होता था मैंगो जंप भी करता था और जंप करके फिर आगे रोल्ड आउट हो जाता था और आगे भाग जाता था। स्टॉप ऑल ऑफ यू, आई वोंट लेट यू गो, मैंगोज जब भाग रहा होता है इस तरीके से तो वो व्यक्ति बोलता है स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, ऑल ऑफ यू, तुम सब रुक जाओ, आई वोंट लेट यू गो, मैं तुम लोगों को ऐसे जाने नहीं दे सकता। देन राइट बिफोर हिज आइज, तभी उसकी आंखों के सामने दे टर्न इंटू गोल्डन बर्ड्स, वो सारे मैंगोज जो होते हैं वो तुरंत ही गोल्डन बर्ड में चेंज हो जाते हैं, स्वर्ण चिड़िया में बदल जाते हैं। द फ्लॉक ऑफ गोल्डन बर्ड्स रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्ली अवे, और उन स्वर्ण चिड़िया गोल्डन बर्ड्स का जो झुंड होता है वो धरती से ऊपर उड़ती हैं और आकाश में दूर उड़ जाती हैं। एज द ग्रीडी मैन वास्ट इन अमेजमेंट, वो लालची व्यक्ति अमेजमेंट मीन्स होता है सरप्राइज में देखता रह जाता है। द मैंगो बर्ड्स वैनिश फ्रॉम हिज साइट्स, वो खरा सरप्राइज देखता ही रह जाता है और उसके देखते ही देखते उसके नज़रों के सामने से ये गोल्डन बर्ड्स का जो झुंड होता है वो वैनिश्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नो हाउ कैन दिस बी, दिस इज इम्पॉसिबल, वो अभी भी खड़े खड़े यही सोच रहा है नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। पीपल से दैट दिस इज हाउ द गोल्डन येल्लो ओरियल बर्ड वाज बॉर्न, लोग कहते हैं कि ये तरीका था, इसी तरीके से ये गोल्डन बर्ड जो एक स्पेशल टाइप के ओरियल बर्ड होते हैं, एक नाम है बर्ड का, इनका जन्म हुआ, इनका क्रिएशन हुआ। ओके नाउ योर चैप्टर इज ओवर, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज वी शुड नेवर बी ग्रीडी, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ग्रीड्स जो होता है ना ऑलवेज एंड्स विथ बैड आउटकम्स, लालच का अंत हमेशा और हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू बी ग्रीडी देन बी ग्रीड फॉर, क्रिएट ए ग्रीड फॉर नॉलेज, क्रिएट ए ग्रीड फॉर लर्निंग, अगर आप लालच रखना चाहते हो तो लालच रखो कुछ सीखने की, कुछ पाने की, नॉलेज की, नॉट द थिंग्स, इसलिए ग्रीड का अंत हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना है। ओके थैंक यू।